पंजवीं जमात के सारे विद्यार्थियों सत श्रीकाल प्यारे बच्चो गणित विषय विच असी अध्याय 6 कर रहे हैं माप। अज असी समय नूं मापन दीआं वख-वख इकाइयां बारे कैलेंडर अते घड़ी की सहायता नाल सिखांगे। आओ असी शुरू करदे हां। प्यारे बच्चो तुहानूं सारिआं नूं अपने जन्म की तारीख तां जरूर याद होवेगी। इस विच तुहाडे जन्म का दिन महीना अते साल शामिल हुंदा है। इसे तरह रोजाना जीवन विच होर बहुत सारे काम करन लई सानू तारीख दी सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है अते ए सारी जानकारी सानू कैलेंडर तो मिलती है जिस उपर साल दे वक-वक दिनां नू दिखाया हुंदा है। असी पहला साल बारे समझते हाँ। असी ए तां जानते हाँ कि धरती सूरज दुआले घूमती है अते जदों धरती सूरज दुआले एक चक्कर पूरा कर लैंदी है तो इस नूं एक साल कहिंदे हन। धरती एक चक्कर 365 सही 1/4 दिनां विच भाव 365 दिन अते 6 घंटियां विच पूरा करदी है। तो बच्चो 4 सालां दे 6 घंटे मिल के 24 घंटे भाव एक पूरा दिन बनाउंदे हन। इसलिए असीं हर चौथे साल विच एक दिन वधा दिंदे हाँ जिसनों लीप दा साल भी कहा जाता है। तो लीप दे साल विच कुल दिन 366 हुंदे हन। एक दिन जो वधदा है उस नाल फरवरी महीना 29 दिनां दा हो जाता है। एक कैलेंडर विच साल नूं 12 महीनों विच दर्शाया जाता है। समय नूं मापन दीआं वख-वख इकाइयां विचों महीना भी एक इकाई है। किस महीने विच किन्ने दिन हन ये पता करन लई असी अपने हाथ की मुट्ठी बनावांगे। हुण इन्हां उभारां अते नीवीं थां उपर क्रमवार महीनियां नूं गिणदे जावांगे। उभार उपर आउण वाले महीनियां विच 31 दिन अते नीवीं थां ते आउण वाले महीनियां विच 30 दिन हुंदे हन। पर बच्चो फरवरी महीने विच 28 दिन अते लीप दे साल विच 29 दिन हुंदे हन। असी देखिआ कि साल दे 4 महीनियां विच 30 दिन अते 7 महीनों विच 31 दिन हन। समय नूं मापन लई महीने तो छोटी इकाई हफ्ता है। एक हफ्ते विच 7 दिन अते एक साल विच 52 हफ्ते हुंदे हन। हफ्ते तो छोटी इकाई दिन है जिवें 14 नवंबर दा एक दिन। प्यारे बच्चो एक दिन विच 24 घंटे हुंदे हन अते घंटियां बारे जानकारी सानू घड़ी तो मिलती है। तुसी अपनी पिछली जमात विच घड़ी तो समा देखना सीख चुके हो। छोटी सुई घंटियां बारे, लंबी सुई मिंटां बारे अते तेज गति विच चलन वाली सुई सकिंटां बारे दसदी है। एक घंटे विच 60 मिंट अते एक मिनट विच 60 सैकेंड हुंदे हन। हुण बच्चो असी जानदे हां कि एक दिन विच 24 घंटे हुंदे हन पर इस तरह दीआं घड़ियां विच ज़्यादातर 12 घंटे तक का समा ही दर्शाया गया हुंदा है। जिवें कि हुण 11:05 हो रहे हैं पर कि यह सवेर के 11:05 हैं जां रात के। इसलिए असी अपने रोजाना जीवन विच 12 घंटियां वाली घड़ी तो समा दसते हुए सवेर शाम दोपहर जां अद्धी रात आदि शब्दों का प्रयोग करते हाँ। रात के 12 तो दोपहर के 12 तक AM अते दोपहर दे 12 तो रात दे 12 तक PM दा प्रयोग भी किया जाता है। पर बच्चो कई विभाग जिमें कि रेलवे हवाई सेवा आदि विच समय संबंधी किसी भी तरह के भुलेखे नूं रोकण लई 24 घंटियां वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस घड़ी विच अद्धी रात 12 तो लैके अगली दोपहर 12 तक 12 घंटे वाली अते 24 घंटे वाली घड़ी का समा एक समान रहिंदा है। जिवें कि सवेर दे 7 नूं 24 घंटे वाली घड़ी अनुसार भी 7 ही लिखा जाएगा। सवेर दे 9 नूं 24 घंटे वाली घड़ी अनुसार भी 9 ही लिखा जाएगा। पर बच्चो दोपहर दे 12 तो रात दे 12 तक 24 घंटे वाली घड़ी दे विच समा 12 जोड़ के प्राप्त हुंदा है। देखो दोपहर के बाद 3 रहे हैं तो 24 घंटे वाली घड़ी अनुसार समा पता करन लई
असी तीन विच बारह जोड़ांगे, तीन जमा बारह पंद्रह, तो 24 घंटे अनुसार 15 बजे का समा है। हूँ शाम के 7 बज रहे हैं, तो 24 घंटे अनुसार 7 जमा 12 19, 24 घंटे वाली घड़ी ते 19 बज रहे हैं। प्यारे बच्चों, घर में फोन तो असी सारे ही इस्तेमाल करते हाँ। एक फोन उपर असी समय नू 12 घंटे वाली घड़ी अनुसार सैट किया है, दूजे फोन उपर 24 घंटे वाली घड़ी अनुसार। एक ही समय से पहला फोन 10:14 का समा दिखा रहा है, दूजा फोन 22:14 का समा दिखा रहा है। इस तरह बच्चो, तुसी मोबाइल फोन की वरतों नाल घर विच ही समय नू 12 घंटे तो 24 घंटे विच बदलना, 24 घंटे तो 12 घंटे विच बदलना सीख सकते हो। सो बच्चो, अज असी समय दियां वख वख इकाइयां बारे जाणिया है। इन्हां इकाइयां विच संबंध हेठ लिखे अनुसार है। तुसी समय दियां इकाइयां विच इस संबंध नूं अपनियां कापियां ते सोणा करके लिखना है। धन्नवाद।